नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि TCS की तरफ से। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आज की डेट में वर्ल्ड में लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है, जहाँ पे आपको 46 कंट्री में 5.28 लाख कर्मचारी काम करते हैं। एंड TCS में सिंपली आज की डेट में ग्लोबल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स है। दोस्तों, TCS की तरफ से एक जॉब निकल कर आया, जहाँ पे TCS ने फ्रेशर स्टूडेंट को हायर करा है। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सिंपली आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे कि BE या BTEC एंड MA या MTEC का डिग्री है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप 2020 एंड 2021 का फ्रेशर बैच हो, तो आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2022 में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपली इस जॉब का पोर्टफोलियो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा कैसे आपको इस जॉब के लिए रजिस्टर करना है, कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। सारे प्रोसेस मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके बताऊंगा। दोस्तों, सिंपली आपको गूगल में जाके टाइप करना TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, देन आपके सामने TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, देन आप TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का ऑफिशियल इंटरफेस में आ जाओगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, ये है TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का इंटरफेस। वेलकम अबाउट TCS नेक्स्ट स्टेप, सिंपली आपको रजिस्टर नाउ बॉटम पे क्लिक कर देना है। देन आपको सिंपली दोस्तों देख सकते हो TCS नेक्स्ट स्टेप के लिए और एक स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे IT एंड BPS दोनों कैटेगरी देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको IT कैटेगरी ऊपर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों देख सकते हो, प्लीज नोट दैट द TCS नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव इज अवेलेबल इन द इंडिया जियोग्राफी, एप्लीकेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज विल नॉट टेकन इन टू अकाउंट। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे TCS नेक्स्ट स्टेप में पहले आपको एक अकाउंट बना लेना है। दोस्तों, अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, देन आपको नियरेस्ट नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो ये चूज कर लेना है। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट करना है, देन आपको उस पासवर्ड को री एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे दे देना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चर फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आपके मेल में एक TCS की तरफ एक मेल आएगा, जहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी दिया जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ स्टेप, तो दोस्तों सिंपली मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के लिए सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे रेफरेंस आईडी या ईमेल आईडी, देन आपको पासवर्ड दे देना है। सिंपली मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो दोस्तों सिंपली मैं रेफरेंस आईडी मेरा एंड पासवर्ड डाल के मैं और लॉगिन आईडी सिंपली यहाँ पे दोस्तों तो एप्लीकेशन फ्रॉम कैंपस कम्युनी एंड माई ट्रैक एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई, ये चारों ऑप्शन आपको दिखने को मिलते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इस वेबसाइट में आके सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म बॉटम पे पहले क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे दोस्तों ऊपर में चारों ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, ये चारों स्टेप आपको फिलअप कर लेना है। सिंपली यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आके यहाँ पे दोस्तों 6 पॉइंट आपको दिखने को मिलते हैं, सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना, ताकि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चल जाए। सिंपली दोस्तों यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टार मार्क होना रहेगा उसको आपको मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे नीचे दोस्तों एक साइड देखने को मिलता है, स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, इस बॉटम पे ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, दिन आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पहले आपको डाल देना है, जैसे कि टेक्स्ट लोकेशन, कहाँ पे आप टेक्स्ट लोकेशन देना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक हियर टू सिलेक्ट लोकेशन फॉर नियरेस्ट टेस्ट सेंटर, यहाँ पे आपको इस बॉटम पे क्लिक करके आप अपना लोकेशन, सिटी के पास आप रहते हो उस सिटी सिलेक्ट करके आप टेस्ट के लिए लोकेशन चूज कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, देन आपको परमानेंट एड्रेस, जिस एड्रेस आपका आधार कार्ड में उसी एड्रेस को यहाँ पे पुट कर देना है। देन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आर द परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम, देन आपको अगर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम होता है तो यस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हो, या और कोई सिटी में अगर आप अभी रहते हो तो दोस्तों नो करके आप जिस सिटी में अभी रहते हो उस सिटी का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। देन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका डाल देना, जैसे कि ईमेल आईडी, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर सेव करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। ये स्टेप कंप्लीट होते ही आपको सिंपली दूसरे स्टेप के लिए चले जाना है। सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप सिंपली इस स्टेप के लिए चले जाओगे, जहाँ पे अगर आपका इंस्टीट्यूशन नेम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, सारे
प्रोसेस को डाल के यहाँ पे ऑलरेडी मैं म्यूचुअली डाल चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे, देन आपको सेव बाय कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप आधार डिटेल सेक्शन में चले जाओगे, जहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप नेशनलिटी आपका जो इंडियन हो तो आप इंडियन सेलेक्ट करोगे, देन आपका लैंग्वेज नोन कौन से लैंग्वेज आप अच्छे से बात कर सकते हो, सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। और कोई भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हो, ऐड न्यू रो करके आप और भी कोई लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्पीक रीड राइट एंड मदर टंग ये सारे टिक टिक करना है। अगर आपको इंग्लिश में स्पीक अच्छी तरह से आते हो तो कर सकते हो, रीड राइट मदर टंग नहीं है तो हम नहीं भी कर सकते, टिक नहीं करना पड़ेगा आपको। देन ऐसे करके आपको सिंपली लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर कोई भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश के ऊपर कोई भी कोर्स किए तो उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे भी सर्टिफिकेट डाल सकते हो। सिंपली देन आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दें। देन चौथा जो आपका प्रोसेस रहने वाला है वो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। दोस्तों सारे प्रोसेस, तीनों सारे प्रोसेस कंप्लीट करते आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू करना पड़ेगा। देन आपको सिंपली यहाँ पे आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग एंड क्लोज सिविल, ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सी एस नो भी कर सकते हो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो दोस्तों। देन एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हो, अगर आपके सारे प्रोसेस ठीक ऐसे ठीक ठाक है कि नहीं। देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पहले प्रीव्यू करोगे, देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है कुछ, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। देन टी सी एस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको रीड कर लेना, देन यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे प्लेस एंड डेट यहाँ पे आप डाल दे के प्लेस, आप जिस प्लेस में अभी रहे उसका नाम दे के यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक कर देना। देन दोस्तों आप टी सी एस नेक्स्ट स्टेप में आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, एंड टी सी एस सिंपली आपको मेल करेगा, इंटरव्यू डेट उन लोगों ने आपको भेजेगा। अगर इस इंटरव्यू डेट में आप इंटरव्यू दे पाते हो तो जाके आप टी सी एस ऑफ कैंपसिंग इंटरव्यू दे सकते हो, या ऑन कैंपसिंग भी हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से आपको ऑन कैंपसिंग भी आपका वर्चुअल तरीके से इंटरव्यू भी ले जा सकता है। दोस्तों अगर आप TCS में जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों आपको 16 जनवरी के अंदर इस जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट 16 जनवरी है। दोस्तों TCS में बहुत सारे आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है, जैसे फ्री फूड, जिम, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप TCS में जॉब करके अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाओगे, क्योंकि TCS इंडिया का लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस जॉब को अप्लाई करके अपने लिए खुशहाली ज़िंदगी जी पाए। एंड मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।